मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 190 सीटर बोइंग विमान के संचालन का शुभारंभ। प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता रहेंगे मौजूद। प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा गोरखपुर के राप्ती नदी में बनेगा वाटर एयरपोर्ट। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट के सभी अनुभाग का किया निरीक्षण, सिटी मजिस्ट्रेट वाद लिपिक व पेशकार के कार्यों की सराहना। निजीकरण के विरोध में चौथे दिन 6 संगठनों ने किया विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का समर्थन, प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा किसी भी बिजली कर्मचारी को न ही हटाया जाएगा और न ही निकाला जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। दवा विक्रेता संघ में हुआ मतभेद, दो गुटों में बटे दवा व्यवसायी। इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए चलाई जाने वाली दस्तक योजना के लिए मंडलायुक्त ने चारों जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, योजनाओं को सफल बनाने के लिए दिए निर्देश। ग्रामीण आर्थिक विभाग में सहकारिता भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। रेलवे स्टेशन से सेल टैक्स द्वारा पकड़े गए माल को छुड़ाने के लिए व्यापारियों ने किया डीएम से मुलाकात। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत एआरटीओ द्वारा लगाया गया प्रशिक्षण शिविर। 6 विद्यालयों में चल रहे उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जुबली इंटर कॉलेज में भी बदस्तूर जारी रहा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए 2 दिनों तक चलने वाले मतदान की प्रक्रिया संपन्न, 298 सदस्यों के भाग मतपेटी में बंद। रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदिरों में महिलाओं ने गाए गीत। मंडलायुक्त अनिल कुमार तथा जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने जनपदवासियों को रामनवमी पर बधाई दी और किया सुख शांति एवं समृद्धि की कामना। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के लीग मैच में पूर्वोत्तर रेलवे और यूको बैंक सहारनपुर के बीच खेला गया मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य एकेडमी ने संस्कृति क्रिकेट एकेडमी को 86 रनों से हराया।